तो अब हम बात करेंगे कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब आपके सामने रखा है, क्या है इसका मतलब? ऐसी सारी एक्टिविटी करो जिससे आपके कस्टमर खुश हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाई हो और वो बार बार लगातार आपसे जुड़ना पसंद करे। उसके लिए जो भी एक्टिविटी आपको करने की आवश्यकता है वो सारा कस्टमर मैनेजमेंट हो जाता है। और कस्टमर मैनेजमेंट करना मतलब सर्विस को बिल्ड करना। अब हम बात करते हैं कस्टमर मैनेजमेंट को लेकर कुछ फैक्ट, और ये फैक्ट इतने इफेक्टिव है कि इसको अगर आपने अपने दिमाग में डाल दिए तो बहुत सारी गलतियां करने से आप बचोगे। तो पहला फैक्ट जो आपके बीच में आ रहा है, 70% कस्टमर बाय जो करते हैं वो फील और ट्रीटमेंट से करते हैं कि उनको फील क्या हुआ और उनको आपने ट्रीट क्या किया। कितने प्रतिशत? तो ये आपको सबसे पहले सुधारना है कि कोई भी कस्टमर जब आपको मिले तो उसको उस लेवल की सर्विस होनी चाहिए जो सेल्स होने से पहले हम करते हैं। सेकंड यहां पर ट्रुथ निकला है कि 91 कस्टमर जो है वो कभी भी आपको सेकंड चांस नहीं देंगे। एक बार गलती कर दी, फायर। एक बार मिस्टेक हो गई, फायर। वो दोबारा आपको मौका नहीं देंगे। फिर होते हैं 4% कस्टमर जो आपके लिए लॉयल होते हैं, वो आपकी गलती आपके मुंह पर आपको बताते हैं। और कई लोग ऐसे कस्टमर के फोन ही नहीं उठाते और कई लोग ऐसे कस्टमर से दूर भागते हैं। ये गलत बात है। उनसे कनेक्ट हो, उनको रेकोगनाइज करो, और वो अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उस बंदे को पूछो कि और क्या हो सकता है। ये आपके हित में काम करने वाले हैं, लेकिन उनका काम करने का अंदाज अलग है, ये मुंह पर बोलने वाले। फिर होता है कि 16% कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो अगर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं या सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं तो वो आगे 16 लोगों जो होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट या आपकी कोई भी चीज अगर उसको अच्छी नहीं लगी तो वो पर्सन क्या करेगा, 16 लोगों तक चला जाएगा और बता देगा भाई इधर नहीं जाने का, इधर लफड़ा है। और उसके सामने खाली 9% या 9 कस्टमर ही ऐसे होते हैं या सेटिस्फाई कस्टमर ही ऐसे होते हैं जो खाली 9 लोगों तक पहुंचते हैं। तो पॉजिटिव लोग जो है वो 9 को कवर करेंगे और नेगेटिव लोग जो है वो कितने को कवर करेंगे? 16 को। तो आपके वहां आए हुआ कस्टमर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके बिजनेस के लिए वो खतरा है। फिर आपको देखना रहेगा कि कस्टमर की डिमांड या उसकी जो भी कंप्लेंट है मिनिमम 6 घंटे के अंदर या मिनिमम 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो आपको दोबारा मौका देगा नहीं। तो उसके प्रॉब्लम को समझो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, सॉल्यूशन करो, ना हो सके तो टाइम मांगो और उस टाइम पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं तो वो दोबारा चांस नहीं देगा। क्लियर? अब हमें देखना है एक रेशियो, और ये रेशियो आपके बुक के अंदर भी है अवेलेबल, कि आज मार्केट में आपकी प्रोडक्ट जो है उससे डिससेटिस्फाई कस्टमर खाली 13% होते हैं जो छोड़कर जाते हैं, अदर रीजन से 9% होते हैं, और बेटर प्राइस न मिलने के कारण 9% होते हैं, लेकिन बाकी के 69% लोग खाली सर्विस के कारण आपको छोड़ देते हैं। और यहां आपका जो बुक है उसके अंदर खाली 6 लिखा हुआ है, तो आगे 9 जो है वो जोड़ देना, 6% ही लिखा है उसके आगे 9 जोड़ देना, 69%, और परसेंटेज भी बना देना यहां पर 69%। हाँ, पहले में क्या है? हाँ, 1 की जगह वहां पर ऐड कर देना 13। क्लियर? तो ये एक रेशियो आपको देखना रहेगा। ज्यादातर लोग छोड़ते क्यों है? अच्छी सर्विस ना मिलने के कारण। तो आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मैटर कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है? प्रोडक्ट के साथ की सर्विस। प्रोडक्ट तो अपना बेंचमार्क बनाएगा ही अपने लेवल पर, लेकिन उसके आगे पीछे आता है सर्विस, वो बेहतर होगा तब जाकर आपका बिजनेस ग्रो होगा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कस्टमर जो होता है वो अगर खरीदी करता है तो खरीदी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, बिफोर और आफ्टर सेल्स ट्रस्ट करना पड़ेगा और वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा।
अगर अच्छे लेवल की सर्विस आप अपने कस्टमर को देना चाहते हो तो ये चार काम करने जरूरी है अपने बिजनेस में। हाउ टू मैनेज कस्टमर, कस्टमर को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप आपको डेवलप करना पड़ेगा क्या, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। जितना अच्छा रिलेशन, कहा जाता है जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना अच्छा व्यापार होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन रिलेशन बढ़िया होना चाहिए। तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए रिलेशन बिल्ड करने में। सेकंड चीज जो आपको करना है, ऑलवेज प्रेजेंट इन मार्केट। नीचे लिखा है कुछ मैंने, क्या लिखा है, बराबर, ये फाइनल है, जो दिखता है ना वही बिकता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इतना बड़ा मार्केट वैल्यू क्रिएट करने के बाद भी मार्केटिंग करती रहती है। एप्पल आज भी मार्केटिंग करता है, कोको कोला आज भी मार्केटिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तक दिखूंगा ना मार्केट में रहूंगा, जिस दिन निकल गया दूसरा आ जाएगा। तो दिखते रहना बहुत जरूरी है। फिर हमें क्या करना है, एंगेज करना है, और एंगेज करने की एक्टिविटी करनी है। जो रिटेलर है वो अपने कस्टमर मीट प्लान करो पूरे साल में एक बार, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीट प्लान करो हर 3 महीने में एक बार या साल में एक बार। आप जिस कैटेगरी में जिस लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो, साल में एक बार उनके साथ आपको मिलना जरूरी है। मिलते रहेंगे तो व्यापार बढ़ता रहेगा, मिलेंगे नहीं तो अगला आपका छीनकर चला जाएगा। तो मिलते रहना जरूरी है, कनेक्ट रहना जरूरी है। तो एंगेजमेंट एक्टिविटीज आप रखो, फीडबैक लेना स्टार्ट करो और फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो। फीडबैक लेना जरूरी है हर कस्टमर का और उसको फिर फॉरवर्ड करना है। क्यों फीडबैक लेना है? अगर आपसे गलती हुई, आपका अच्छा रिलेशन है, वो आपको बोल नहीं पाएगा, लेकिन फीडबैक अगर आप दोगे तो वो लिख पाएगा। फिर आपको पांचवा स्टेप करना है, ट्रांसपेरेंट रहना है और ऑनेस्ट रहना है। अगर बेवकूफ बनाया, अगर गलत प्रैक्टिस कर लिया, अनएथिकल चीजें कर ली, एक बार सेल मिलेगा, एक बार वो आपसे जुड़ेगा, लेकिन जिस दिन उसको पता चल गया ना उसके साथ गलत हो रहा है, वो नहीं, वो आपको तो छोड़ेगा लेकिन वो और 16 लोगों को आपको छुड़वाएगा कि भाई यहां नहीं जाना, बराबर। तो ऑनेस्टी के साथ हमें काम करना है, गलत नहीं करना है, अनएथिकल नहीं करना, एथिकल काम करें। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको अपने कस्टमर को मैनेज करने के लिए डेवलप करनी आवश्यक। एक्टिविटीज नंबर रहेगा 28 और पेज नंबर रहेगा 89 और 90 HW। जितना HW लिखा हुआ है आपके वहां हमारे टीम मेंबर आएंगे, आपको मिलेंगे और आपका एक्टिविटी चेक करेंगे। तो ऐसा मत समझना आज ये अपना लास्ट सेशन है तो ये कोई देखने आने वाला नहीं है, और अगर नहीं करोगे लॉस आपका है, नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। करोगे तो कुछ सीखोगे, कुछ प्रैक्टिस होगी, R&D होगा। तो एक अच्छी लाइन यहां पर लिखी है, क्या लिखा हुआ है, बहुत महीने लग जाते हैं या साल लग जाते हैं कस्टमर को अपने साथ जोड़कर रखने में, लेकिन 1 सेकंड की एक गलती लगती है उसको छोड़ देने में। तो नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर नहीं हटनी चाहिए, फोकस क्लियर रखो कस्टमर के साथ। आपको अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करना है अपने लोगों के बीच। तो आप अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं लोगों के बीच? कुछ इस तरीके से होता है, पहला कस्टमर, फिर एम्प्लॉय, फिर सप्लायर, फिर बैंक, फिर गवर्नमेंट, फिर इन्वेस्टर और फिर सेल। लेकिन अपना जो चक्का है ना वो उल्टा घूमता है, अपना जो चक्का है वो उल्टा घूमता है। तो घूमते 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 कस्टमर तक आते आते कुछ बचता ही नहीं है, टीम तक आते आते कुछ बचता ही नहीं है, सप्लायर तक जाते जाते कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सारा इधर ही खत्म हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को एक बेहतरीन वीडियो यहां पर दिखाऊंगा कि एक्चुअल प्रॉफिट शेयर किया कैसे जाता है। क्या आप देखना चाहेंगे? एक ऐसी शख्सियत जो डायमंड के अंदर अपना नाम बना चुकी है, सूरत के नामचीन पर्सन है, और उनका एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉड्यूल उन्होंने बिल्ड किया है जो आपके बीच में अब वीडियो के थ्रू प्ले होगा। देखिए।